नमस्कार दोस्तों, अपनी पोस्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम सभी ने गांव तो कई बार देखे होंगे, लेकिन हमसे कई लोगों ने पूछा कि अमेरिका में गांव कैसे होते हैं, तो आज हम आपको अमेरिका के गांव दिखाने वाले हैं। विश्व के सबसे अमीर देशों में से एक अमेरिका में भी गांव है और वहां पर भी लोग गांव में रहते हैं। हालांकि यहाँ के गाँव का रंग रूप थोड़ा सा, या कहें बिल्कुल ही अलग है। आपको बता दें कि यहाँ के गांव पूर्ण रूप से व्यवस्थित हैं और यहाँ पर गांव में कच्चे मकान आपको देखने को नहीं मिलेंगे। सारे मकान पक्के हैं और इसके अलावा रोडें भी सुव्यवस्थित हैं। आपको बता दें कि गांव में तीन प्रकार के मकान हैं, एक सिंगल स्टोरी, डबल स्टोरी और विला टाइप। आपको बता दें कि इन मकानों में जो लोग रहते हैं उन सभी के पास कारें हैं, पार्किंग है, गांव के अंदर शॉपिंग मॉल्स हैं। इसके अलावा यहाँ पर बच्चों के लिए गार्डन्स बनाए गए हैं और कम्युनिटी हॉल भी गांव में भी मौजूद है। आपको बता दें कि गांव की तस्वीर अमेरिका में थोड़ी सी अलग है। यहाँ पर लोग रहते हैं और शहरों में काम करने जाते हैं और इसके बाद वापस से गांव आ जाते हैं। आपको बता दें कि गांव के थोड़े से नियम कानून अपने हिसाब के हैं। यहाँ पर अपने टाउन हॉल्स हैं और इसके अलावा कई लोग ऐसे भी हैं जो यहीं पर शुरुआत से रह रहे हैं। आपको बता दें कि अमेरिका के गांवों की छवि शहरों से मिलती जुलती है, लेकिन फिर भी उनके शहरों के मुकाबले इन जगहों को गांव ही कहा जाता है। आपको ये गांव कैसा लगा? हालांकि कई लोगों के मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि यह कौन सा गांव है, तो आपको बता दें कि यह मॉन्टगोमेरी गांव है और यह संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। इस गांव का क्षेत्रफल 16.83 किलोमीटर है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 113 मीटर की है। यहाँ की जनसंख्या 32,000 बताई जाती है। हम आशा करते हैं गाँव आपको अच्छा लगा होगा और आप इसे अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर करेंगे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।